गुरु प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का टॉपिक है जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है। प्यारी प्यारी सत्संग जी, परमपिता परमात्मा सृष्टि के जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में है, सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चौहोर निहारों तेरी सूरत मेरे राम, चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता, फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों में भी मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता, सतगुरु सच्चा बूटा तू ही, दसवां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना देश। प्यारी सत्संग जी, परमात्मा की तलाश में आज इंसान भटक रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, कोई जप तप व्रत कर रहा है, कोई धुनी रमा रहा है, लेकिन जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते हैं तब तक इस तरह का की जानकारी नहीं होती है। ये तो हमारे साथ रहता है, हर पल हमारे पास रहता है, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। ये शारक से भी निकट है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये खुदा नहीं है। तो इसका एहसास कब होता है? जब सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु की कृपा से इसका बोध होता है। सद्गुरु हमारा अज्ञानता का जो पर्दा है वो हटा देते हैं और एक ज्ञान की नजर देते हैं। ज्ञान की नजर से ये परमात्मा फिर दिखाई देता है। ये चर्म चक्षु जो है ना, जो शरीर की दो आंखें, इनसे परमात्मा नहीं दिखता है, परमात्मा दिखता है ज्ञान की नजर से। ज्ञान एक जानकारी है, एक समझ है जो सदगुरु हमें देते हैं। तो इस निरंकार के बारे में शहंशाह जी संपूर्ण अवतार वाणी में समझा रहे हैं कि नील गगन पर देखो प्राणी, सूरज चांद सितारे हैं, अस्थाई है चमक दमक, सब मिट जाने ये सारे हैं, नीचे धरती अग्नि जल है, इन सब का विस्तार बड़ा, नाशवान है ये भी जग में, नश्वर यह संसार खड़ा, मध्य जीव आकाश और वायु, इन तीनों का सूक्ष्म रूप, एक दिन यह भी मिट जाएगा, तीनों का जो जुड़ा स्वरूप, ये नौ वस्तु दृश्यमान है, जिसको कहते हैं माया है, दसवां ब्रह्म है, इनसे न्यारा इनके बीच समाया है, यह सब माया मिट जाएगी, रहेगा बाकी कुछ ना यार, कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते हैं निरंकार। यहाँ पर बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि ये जो भी दिख रहा है इन आंखों से, इन चर्म चक्षु से, जो दिख रहा है, जो दिसे सो सकल विनाशे, ज्यों बादल की छाया, सब कुछ मिटने वाला है, सब नाशवान है, जो दृश्यमान है, जो दिख रहा है वो नाशवान है, लेकिन जो इन आंखों से दिखता नहीं है, वो दिखता है तो ज्ञान की नजर से दिखता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो जब गुरु की नजर हमारी बन जाती है, गुरु वाली नजर हम ले लेते हैं, तो ये बात समझ में आ जाती है कि अंग संग है हमारे, ये अंग संग जो प्रभु हमारे, यही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदार यही है और हर रिश्ता सपना है, यही हमारा मंदिर मस्जिद, मक्का काबा ज़ारत है, यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है, जिनको यह रब याद रहा ना, खाली वे बेचारे गए, कहे अवतार वो पंथी सारे, खोज खोज में मारे गए। कि भटकन समाप्त तब होती है जब सदगुरु मिलते हैं, वरना जब तक सदगुरु से मुलाकात नहीं होती, सदगुरु के दरबार में हम नहीं आते हैं, तब तक तो केवल भटकन है। सारा संसार इस परमात्मा को खोज रहा है, भटक रहा है, जंगल में वीरानों में जा रहा है, जब तक व्रत कर रहा है, समाधि लगा रहा है, तो जब तक व्रत और समाधि से परमात्मा नहीं मिलता,
परमात्मा तो मिलता है केवल सदगुरु की कृपा से। सदगुरु कृपा करते हैं और इस परमात्मा के साथ हमें जोड़ देते हैं, फिर ये बात समझ में आ जाती है। ये तो हमारे साथ था, जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है, शून्य। और शून्य का बोध जब हो जाता है तो फिर जीवन में आनंद आता है, चारों तरफ इसका एहसास होता है। इस शून्य से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, अजन्मा अजर अमर अविनाशी त्रिकाल सत्य है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इस पूरे में ही पूरा समाया हुआ है, ये पूरा है। तू पूर्ण परमात्मा तू अंतर्यामी, तो जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है, ये बात समझ में आ जाती है गुरु की कृपा से। गुरु कृपा करते हैं और फिर हमें अंग संग में इसका दीदार करा देते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। और जब ये दीदार हमें हो जाता है तो हम हर पल हर घड़ी इस निराकार का दीदार करते हैं, इसके एहसास में रहते हैं। जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर दुनिया में आए तो सभी ने सदगुरु की कृपा से इसको जान लिया कि जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है, ये समझ में आ गया। पढ़ देखे इतिहास पुराने, हो गए वलियों पीरों के दुख बदले हैं सदगुरु ने ही उन सबकी तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक अपने आप सके ना पा, राम कृष्ण नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सब ने नियम निभाया है, वलियों ने भी गुरु चरणों पे अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की, हाथ गुरु के डोर रही, अवतार कहे पर अंधी दुनिया व्यर्थ मचाती शोर रही। कि जब गुरु मिले तो ये हरि मिल गया, हरि तो पहले भी हमारे पास था लेकिन हम अज्ञानता के कारण इसे दूर समझ रहे थे कि खुदा तो केवल आसमानों में ही है, केवल किसी सीमित जगह पे ही ये परमात्मा है, कहीं पहाड़ के ऊपर मंदिर में है, साथ में आसमान पे है, मक्का मदीना में है, काशी काबा में है। लेकिन जब गुरु मिले तो ये बात समझ में आ गई कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी ना काबा ना तो मैं कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ। ये बात सदगुरु ने समझाई कि जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है, ये तो हर पल तुम्हारे पास था, तुम्हारे साथ था। तो वो पर्दा हट गया, जो हमारी आंखों में एक जो अज्ञानता का जो पर्दा था वो हट गया। और सदगुरु ने फिर हमें समझा दिया कि वो खुदा हरगिज हो नहीं सकता जो इधर तो है और उधर नहीं है। ऐ इंसान, खुदा पर्दे में नहीं है और इतना बड़ा पर्दा नहीं बन सकता जो खुदा को ढक ले। ये तो हर पल साथ है, हर पल पास है, हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये खुदा नहीं है। जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो आइए प्यारी सत्संगत जी, हम इसको अंग संग महसूस करें, हर पल केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़े, क्योंकि हमें सदगुरु ने केवल और केवल निरंकार के साथ जोड़ा है। सदगुरु ने हमारे सारे बंधन तोड़ दिए, बंधन तोड़े मिलाए राम, हमें केवल इस निरंकार के साथ जोड़ा और इसकी भक्ति करने के लिए हमें बता दिया कि परमात्मा के सिवा और कहीं भी मन को मत लगाना, केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ना, क्योंकि अगर संसार के साथ जुड़ेंगे तो फिर हमें धोखा ही मिलेगा। निरंकार के सिवा और कहीं भी मन को लगाया तो केवल और केवल धोखा है, सब झूठ है। परमात्मा के सिवा सब भ्रम है, सब झूठ है। और जो ब्रह्म ज्ञान है हमें अंधविश्वास से बाहर निकाल देता है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। जब ये बात समझ में आ जाती है कि जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है, तो फिर हमारे तमाम भ्रम भ्रांतियां अंधविश्वास सब दूर हो जाते हैं और फिर हम ज्ञान के उजाले में जीना शुरू कर देते हैं। तो
तो ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं, केवल हरि परमात्मा के साथ। वो कभी संसार के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी पद प्रतिष्ठा के साथ नहीं जुड़ते हैं, केवल इस हरि निराकार के साथ ही जुड़ते हैं। तो आइए प्यारी सत्संगत जी, हम इस निराकार का हर पल एहसास करें, जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।